goblin gargoyles gobbled gobbling goblins. Good blood, bad blood. Good blood, blood. Blood. Good blood, blood. Green glass globes go green. Guys, ये जी से स्टार्ट होने वाले टंग ट्विस्टर्स तो इतने टफ है, क्या आज का फूड चैलेंज भी इतना ही टफ होने वाला है? इस चैलेंज में जो भी खाना जी से स्टार्ट हो रहा है ना गाइस, आज हम वही खाएंगे। और आज हम खाएंगे पांच मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर और डेजर्ट। इस चैलेंज को ना गाइस हम और टफ नहीं बना सकते, इसलिए हमने बजट नहीं रखा है। तो ये चैलेंज देखने में ना आपको बहुत मजे आने वाले हैं। अभी से इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करना गाइस, और अगर हमारी चैलेंजेस आपको देखने में मजे आते हैं ना, तो इस चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है गाइस, करोगे ना? जी माने जी गाइस, तो ये चैलेंज हम बिल्कुल पूरा जरूर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम कम्युनिटी को शाउट आउट देने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर एडू पेट पूजा शुरू। गाइस मेरा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बिल्कुल हाजिर है। जी से स्टार्ट होने वाला ये ग्रिल पनीर टिक्का सैंडविच, और जी से स्टार्ट होने वाली ये गर्मा गर्म जिंजर चाय, मैंने चाय पॉइंट से अपने लिए लिया है। बहुत ही ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा है गाइस मेरे, एकदम टोस्टेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अब देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पे ग्रिल मार्क्स भी है, ये अच्छे से ग्रिल करके दिया है। इसके अंदर पनीर की स्टफिंग है, मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये देखो गाइस, पनीर की स्टफिंग, इसके अंदर इन्होंने प्याज भी डाला हुआ है और बहुत सारा सॉस। और इसको ना मैं अच्छे से केचप के साथ इंजॉय करने वाली हूँ। ये जो पनीर अनियन की स्टफिंग है ना गाइस इस ब्राउन ब्रेड ग्रिल सैंडविच में, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फुल ऑफ मसाला और टैंगी सी सॉस है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फिलिंग लग रहा है ये ब्रेकफास्ट। अदरक वाली चाय भी पीने वाली हूँ इस गर्मा गर्म ग्रिल सैंडविच के साथ। आप चाय लवर हो या कॉफ़ी लवर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मगर मेरा दिन ना चाय के बिना तो शुरू होता ही नहीं। चाय इज़ अ मस्ट। मैं क्या ऑर्डर करूं? जी से तो कोई डिश यहाँ पे मिल ही नहीं रही है मुझे। देखो यार, सब अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहा है यार। सारी पनीर टिक्का, ये मलाई ब्रोकली, ये तंदूरी दही, वेयर इज जी गाइस? मिल गया गाइस। ड्रिंक्स में मैंने बताते नहीं क्या लिया है मैंने अपने लिए, ये जिंजर एल ली हुई है। ये ना गाइस फ्लेवर्ड जिंजर एल है, और इस ग्लास में मुझे बहुत ही प्रिटी सा ऑरेंज स्लाइस भी मिला हुआ है। तो मैं जल्दी से इस ड्रिंक को इस ग्लास में पोर करती हूँ गाइस। जिंजर एल इज कार्बोनेटेड ड्रिंक गाइस, आई होप आई डोंट स्पिल दिस। गाइस ये वाली जिंजर एल बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है, एंड इसमें ना मुझे जिंजर का फ्लेवर थोड़ा कम लगा, और बाकी जो स्वीटनेस है वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस है। अब आप देखना चाहोगे कि मैंने खाने अपने लिए क्या लिया है जी से। खाने में मैंने अपने लिए ना गार्लिक ब्रेड ली हुई है। इस गार्लिक ब्रेड पर थोड़ा थोड़ा सा पार्मेसन चीज गाइस छिड़का हुआ है सिर्फ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी पेरी पेरी डिप दी हुई है। तो मैं जल्दी से आपको ये गार्लिक ब्रेड ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा है। गाइस चीज में थोड़ी सी कंजूसी करी है। ब्रेड मुझे काफी गूई लगी और अच्छी लगी। चीज की थोड़ी सी कमी है, लेकिन इस चीज की कमी को ना बटर से बिल्कुल कंपनसेट कर दिया है। बहुत ही अच्छे से बटर से टोस्टेड है ये ब्रेड, और इस डिप के साथ थोड़ा सा स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर भी आ रहा है। डिप के साथ और डिप के बिना भी ये डिश मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ। गाइस आप लोगों में से ना बहुत लोग जानना चाहते थे कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस हमारी एडिटिंग स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड थैंक यू टू Skillshare फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। वैसे आपको बात बताओ गाइस, हमने वीडियो एडिटिंग की बेसिक्स ना Skillshare की क्लासेस से ही सीखी है। गाइस आप लोगों में से जिनको नहीं मालूम ना, Skillshare एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है, जहाँ पे आप अलग अलग टॉपिक्स की क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि फोटोग्राफी, क्रिएटिव राइटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड सो ऑन। बिगिनर्स के लिए हम रेकमेंड करेंगे फिल्म मेकर जॉर्डी वैंडरपुट की Adobe Premiere Pro for Beginners वाली क्लास, टू लर्न बेसिक वीडियो एडिटिंग ऑन अ सॉफ्टवेयर दैट वी यूज फॉर एडिटिंग ऑल ऑफ आवर वीडियोस। वीडियो एडिटिंग इज समथिंग जिससे हमारी क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती है, एंड विद एवरी वीडियो हम कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जिसको देखने में आप लोगों को बहुत मजे आए। Skillshare पे लर्निंग इतनी ज्यादा सीमलेस और ऐड फ्री होती है गाइस, कि आप बिल्कुल फोकस के साथ अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो विद डिफरेंट क्लासेस ऑन Skillshare।
अगर आप स्किलशेयर की एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो गाइस तो आपको ये 2000 रुपए से भी कम में मिलेगी, यानी कि मंथली सब्सक्रिप्शन लगभग 166 रुपीज ओनली। अरे यार इससे महंगे तो हमारे स्नैक्स ही होने वाले हैं गाइस। और हाँ, इस एनुअल सब्सक्रिप्शन में ना आपको स्किलशेयर की अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, तो जल्दी जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उसमें क्लिक करो और 1 मंथ फ्री ट्रायल लो स्किलशेयर का। फर्स्ट 1000 लोग जो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे वो स्किलशेयर की 1 मंथ फ्री ट्रायल के लिए एलिजिबल होंगे। गाइस आप यकीन नहीं करोगे कि जी से मैंने अपने लिए क्या लिया है लंच में, पिज्जा। आप सोच रहे होंगे ना कि पिज्जा तो पी से स्टार्ट होता है। नहीं गाइस, ये वाला पिज्जा जी से स्टार्ट होता है। मैंने पिज्जा गैलेरिया से अपने लिए गैलेरिया एक्सोटिका पिज्जा मंगाया है। देखना चाहोगे कि इसके अंदर ऐसी कौन सी एक्सोटिक बात है? ये देखो गाइस, तो आप जैसे कि देख सकते हो इस पिज्जा में इतनी सारी वेजीज है, बेल पेपर्स, बेबी कॉर्न, हैलापीनो, ऑलिव्स, पनीर, रेड पैप्रिका, ओ माय गॉड, पूरा वेजी लोडेड। और देख रहे हो ना कितना सारा चीज है इस पिज्जा के अंदर। फटाफट से मैं आपको एक बाइट खा के बताने वाली हूँ कि ये गैलेरिया एक्सोटिका पिज्जा कैसा है। बहुत ज्यादा गर्म है गाइस, हैलापीनोस की वजह से थोड़ा सा खट्टा लगा गाइस मुझे पिज्जा, और रेड पेपरिका की वजह से थोड़ा तीखा। खट्टा तीखा मगर फिर भी फुल ऑफ फ्लेवर है, इसमें सॉस की बिल्कुल कमी नहीं है। अच्छे से इन्होंने बेक भी किया है इसको और चीज भी एकदम खुल खुल के डाला हुआ है। तो मुझे ये पिज्जा आराम से 8/10 लगा। लंच का टाइम हो चुका है गाइस और मुझे पता है क्या लग रहा है, आज ना गार्लिक डे, मैंने सुबह गार्लिक डे लिया था और अभी मैंने अपने लिए जी से गर्मा गर्म गार्लिक चौमिन लिए हैं। ये देखो गाइस इतने ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं, इतनी सारी स्प्रिंग अनियन डाली है इसके ऊपर, इसपे कैप्सिकम है, अनियन है और बहुत ही ज्यादा स्पाइसी भी लग रहे हैं। अभी मैं इसको प्लेट में डाल के खाऊंगी गाइस। एक बाइट लेती हूँ गाइस मैं अपने गर्मा गर्म गार्लिक चौमिन का। गार्लिक चौमिन बहुत ही ज्यादा स्पाइसी लगी मुझे, इसमें बहुत ही स्मोकी सा गार्लिक ही फ्लेवर आ रहा है गाइस। गार्लिक चौमिन है ना तो गार्लिक का फ्लेवर तो आएगा ही ना, मैं भी ना। इसमें वेजेस भी बहुत अच्छे से कंपनसेटेड है और ऑयल भी बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगी गाइस। नूडल्स का जो स्ट्रैंड है ना वो बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको इसको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। गाइस स्नैक्स का टाइम हो चुका है और मैंने ना अपने लिए स्नैक्स में जी से एक बहुत ही फेमस चाट लिया हुआ है। यस कर लिया क्या आपने? अरे हाँ गाइस, मैंने अपने लिए स्नैक्स में गोल गप्पे लिए हैं क्योंकि सबके मन पसंद होते हैं। तो मैं आज सूजी के गोल गप्पे खाने वाली हूँ और मैंने 5 पीस गोल गप्पे अपने लिए ऑर्डर किए हुए हैं। गाइस गोल गप्पे तो मैंने फटाफट से खा लिए सारे, बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत तीखा लगा, लेकिन फिर भी तो मैंने सूखी पूरी भी ली है अपने लिए, तो मैं सूखी पूरी खाने वाली हूँ अभी। स्नैक्स का टाइम हो चुका है गाइस और मैंने ना अपने लिए जी से चॉकलेट्स लिए हैं। नहीं समझे गाइस, जी से मैंने अलग अलग टाइप के चॉकलेट्स लिए हैं अपने लिए। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए लिया है ये गिटार चॉकलेट। है ना बढ़िया, बिल्कुल गिटार शेप चॉकलेट है, व्हाइट और डार्क चॉकलेट का बनाया हुआ। और दूसरा जो है वो है गुलकन फ्लेवर चॉकलेट, बहुत ही अलग है गाइस ये दिखने में। इसके अंदर जब मैं एक बाइट लूंगी ना तभी पता चलेगा कि ये एक्चुअली है कैसा। सबसे पहले तो मैं अपने लिए ये गिटार खाने वाली हूँ। ये गिटार तो बिल्कुल मिल्की बार की जुड़वा बहन है, इसके अंदर कुछ तो फीलिंग है गाइस। थोड़ा सा ना पान फ्लेवर चॉकलेट लग रहा है गाइस, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। गुलकंद का इतना भी पता नहीं चल रहा है। मिलती हूँ आपसे डिनर में। जी से ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ नहीं क्योंकि अभी डिनर टाइम है और ऑलरेडी जी से इतनी सारी डिशेस मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस डिनर में अपने लिए क्या लूँ। अरे हाँ, तो डिनर में मैंने अपने लिए जी से लिया है
ग्रीन पीस पुलाव। अब ना गाइस मैं इसको प्लेट में डाल के खाने वाली हूँ। ये चार लोगों का ग्रीन पीस पुलाव तो मुझे अकेले का तो नहीं जाएगा, मैं पैक करवा दूंगी थोड़ा सा और मम्मी पापा के साथ शेयर भी करूंगी। गाइस मुझे ना लग रहा है कि इसके साथ दाल मखनी या दाल फ्राई होती ना तो बढ़िया लग रहा है पुलाव। और मेरे पता क्या सोचा, जी से डिनर के लिए ग्रीक सैलेड ले लूं। ये देखो गाइस मैंने अपने लिए ग्रीक सैलेड लिया है। इसमें येलो बेल पेपर है, ग्रीन बेल पेपर है, रेड बेल पेपर है, कुकम्बर, लेटिस, ऑलिव्स और इसमें बहुत अच्छी सी लेमन ड्रेसिंग है, अनियंस भी है। बहुत ही ज्यादा कलरफुल सा लग रहा है मेरा ये ग्रीक सैलेड। पूरे दिन में जो मैंने जंक फूड खाया ना गाइस वो बिल्कुल डिटॉक्स हो गया है ये ग्रीक सैलेड के साथ। तो जल्दी से मैं अपना ये ग्रीक सैलेड हेल्दी वाला फिनिश करती हूँ और जल्दी आपसे डिनर में। डिजर्ट का टाइम हो चुका है गाइस और जी से तो मेरा फेवरेट डिजर्ट बिल्कुल मेरे सामने है। मैंने अपने लिए लिया है गुलाब जामुन, लॉन्ग गुलाब जामुन हल्दीराम का मेरा फेवरेट है गाइस। वैसे आप एक बात बताओ गाइस, आपको गुलाब जामुन ज्यादा पसंद है या रसगुल्ला? मुझे तो गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके हल्दीराम्स का ना, इतना सॉफ्ट और गरम गरम देते हैं ना ये लोग, मज़े ही आ गए गाइस डिजर्ट में। तो आपको बताती हूँ ये है कैसा। घेवर का बेस बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है और शुगर सिरप से नहलाया हुआ है गाइस, और ऊपर की जो फिलिंग है ना वो खोया की है और पिस्ता की गार्निशिंग भी है गाइस। एकदम परफेक्ट पीस मिल गया मुझे, मेरे लिए ही बचा के रखा था शायद, ऐसा लग रहा है। सारे रिव्यूज हो चुके हैं गाइस, यानी कि अभी बारी है शाउट आउट की। wow. इस वीडियो के इंस्टाग्राम कम्युनिटी शाउट आउट है सेहल, विधि और भावना। तो कांग्रेचुलेशंस यू गाइस, आप इस वीडियो के इंस्टाग्राम कम्युनिटी शाउट आउट हो। और गाइस अगर आप अगली वीडियो का शाउट आउट बनना चाहते हो ना तो जल्द से जाके हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये रही हमारी आईडी, वहां पे हमारी रील्स एंड पोस्ट पे कमेंट करना मत भूलना गाइस, उसके बेसिस पे आप अगली वीडियो का शाउट आउट बन सकते हो। और हाँ YouTube कम्युनिटी वालों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक करना, नीचे बढ़िया से कमेंट कर दो कि आपको पूरे दिन में कौन सी डिश सबसे ज्यादा अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो और हम आपसे मिलते हैं अगली बढ़िया सी वीडियो में। बाय गाइस।